जा रहा है। मुंबई के बरसोवा इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलावटी दूध बनाने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी के समय 294 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया। आरोपी नामी कंपनियों के पैकेट का इस्तेमाल करता था, उनमें नकली दूध भरने के बाद उन्हें मोमबत्ती से पैक किया करता था। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखा कि किस तरह पॉलिथीन में आरोपी नकली दूध भरकर उसे पैक कर रहा था। आरोपी दूध को कहां सप्लाई करता था इस बात का पता लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से नकली दूध यहां पर तैयार हो रहा है। और मुंबई में पुलिस ने बरसोवा में छापा मारा जिसमें 294 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया गया है और इसके साथ ही एक आरोपी को पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच को यह कामयाबी मिली है जिसमें एक आरोपी पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी के समय 294 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया। आरोपी नामी कंपनियों के पैकेट का इस्तेमाल करता था, उनमें नकली दूध भरने के बाद उन्हें मोमबत्ती से पैक करता था। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखा कि किस तरह पॉलिथीन में आरोपी नकली दूध भरकर उसे पैक कर रहा था। आरोपी दूध को कहां सप्लाई करता था इस बात का पता लगाया जा रहा है। दिवाकर हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, कब से ये शख्स लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था, क्या जानकारी मिली है? देखिए, क्राइम ब्रांच के जो आला अधिकारी हैं उनसे जानकारी मिली, पिछले 5 से 6 महीने से ये कारोबार इस तरह से चलाया जा रहा था और ये जो इलाका है वर्सोवा के इलाके में, जो भारत नगर का इलाका है, यहाँ ये कारोबार, जो की झोपड़पट्टी का इलाका है और यहाँ पर पुलिस के पहुंचने के चांस है वो काफी कम रहते हैं क्योंकि काफी कंजेस्टेड एरिया होता है और ऐसे में लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में है तो उसी का ये फायदा उठाया जा रहा था। इसी के चलते जो मिलावटी दूध है उसमें पानी मिलाया जाता था, जो गंदा पानी होता था वो मिलाया जाता था, उसके बाद फिर जो है जो दूध है उसे जो ब्रांडेड कंपनियां जो दूध की सप्लाई करती है उनकी पॉलिथीन जो होती है उनको पॉलिथीन को लाया जाता था उठाकर और उसमें भरा जाता था और भरने के बाद उसकी बिक्री उतने ही दाम में की जाती थी जितना की असली दूध बिकता है। इस मामले में 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है लेकिन सबसे अहम चीज ये कि जो 294 लीटर दूध बरामद किया गया है, बड़ी मात्रा में दूध बरामद किया गया है और इसके साथ ही साथ जो अमूल और गोकुल दूध की कंपनियां हैं उनकी कई सारी थैलियां बरामद की गई हैं क्राइम ब्रांच के द्वारा। क्राइम ब्रांच ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन किन इलाकों में इस दूध की सप्लाई हो रही थी और कौन कौन से लोग इसमें और शामिल हैं। आने वाले दिनों में 2 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में और हो सकती है, ऐसा क्राइम ब्रांच का कहना है। जसप्रीत, ठीक है दिवाकर।